हेलो एवरीवन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है कि पैरेलली कैसे रिवीजन करें, जो पढ़ाई हो चुका है, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है उसे कैसे मेंटेन करें, उसे ना हम भूल जाए, उसे किस तरह से पढ़ते रहे और रिवाइज़ करते रहे, क्योंकि वो भी तो इंपॉर्टेंट है। फाइनली तो गेट एग्जाम में सभी कुछ आने वाला है, ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर एग्जाम जैसा चलेगा, सब कुछ पूरा इंजीनियरिंग एक दिन में उतार के निकालना है। तो यानी कि सारे सब्जेक्ट के साथ अच्छा से टच में रहना है, और जो एक दो सब्जेक्ट है उसी को भूलने लगे तो जब 12 सब्जेक्ट हो जाएगा तब क्या होगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पैरेलल रिवीजन कैसे करना है। और अभी एक और वीडियो मैंने बनाया था, वो बेसिकली साइक्लिक रिवीजन पे था, रिवीजन स्ट्रैटेजी करके था, वो साइक्लिक रिवीजन पे था, और उसमें मैंने बात किया था कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूज़ करके अपना रिवीजन करना है। लेकिन वो अभी नहीं करना, ये पैरेलल रिवीजन दूसरा होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टेस्ट सीरीज़ का देने का टाइम आएगा तो हम टेस्ट सीरीज़ भी दे देंगे, लेकिन अभी तुम्हें किस तरह से रिवाइज़ करना है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना कॉन्सेप्ट अच्छा से बिल्ड करो। समझ में आया कि अच्छा से सब कुछ समझ ले कि सब कुछ को अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके बाद स्पीड हम इंक्रीज़ कर लेंगे, वो तुम्हारे टेस्ट सीरीज से हो जाएगा। तो अभी तुम्हें मेनली अपने क्लास नोट्स पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, अपने शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना है, सब कुछ अच्छा से मजबूती से पकड़ के आगे बढ़ना है, और जब टेस्ट सीरीज देने का टाइम आएगा तो वो भी कर लेंगे। मैं जैसे सजेस्ट करता हूँ, टेस्ट सीरीज आराम से अगस्त में स्टार्ट करो, कोई हार्डवर्क की चीज़ नहीं है। कुछ लोग क्या अभी से ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देंगे तो अभी से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उसके बाद वो कभी इंप्रूव ही नहीं कर पाए। समझ में आया? तो धीरे धीरे आराम से सब कुछ को एक स्ट्रैटेजिकल मेथोडिकल मैनर से लेके आगे चलना है। तो एक पैरेलल रिवीजन क्या है कि कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम तुम्हें उस पर देना है जो तुम्हारा सब्जेक्ट अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो वो कैसे करना है मैं बता देता हूँ। बेसिकली रिवीजन का सिंपल सा रूल है, एक रिवीजन होता है जो एक दिन में होता है, दूसरा जो एक सप्ताह बाद होता है, और तीसरा जो एक महीना बाद होता है। जो एक दिन का रिवीजन है वो मैंने फोर्थ एपिसोड में बताया था कि जो भी हुआ तुम्हारे क्लास में आके तुरंत रिवाइज कर लो। दूसरा होता है एक सप्ताह, अब ये नहीं कि आज जो क्लास में हुआ एक सप्ताह बाद उसे रिवाइज करें, नहीं, पूरा सब्जेक्ट जब खत्म हो गया तो उस सब्जेक्ट के जिस दिन खत्म हुआ सब्जेक्ट उसके एक वीक बाद अपने आप को टारगेट दो, अपने कैलेंडर में मार्क करो या फिर जो भी चार्ट चिपका के तुम प्लानिंग कर रहे हो उसमें मार्क करो कि एक वीक बाद तुम पूरे सब्जेक्ट को एक बार फिर से देखोगे, क्योंकि अभी तुम्हारा जस्ट खत्म हुआ है। एक वीक बाद अगर तुम करोगे तो लगेगा, एक या दो दिन लगेगा, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा सब्जेक्ट है तुम्हारा। ठीक, ये पहला रिवीजन हुआ। इसमें तुम क्या करोगे, जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन था उसे बना बना के देख लिए। ठीक, लेकिन इसमें ज़्यादा फोकस क्या करना है, क्लास नोट्स को बस देख लो, जो भी अंडरलाइन चीज़ था उसे देख लो, क्योंकि अभी तो स्ट्रांग ही है तुम्हारा सब्जेक्ट, जब भूलोगे तब तुम्हारा सही क्वेश्चन आएगा कि तुम कितना रिटेन कर पा रहे हो। और एक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है भूलना, कि अपने आप को भूलने भी देना है, तब तुम्हें समझ में आएगा तुम क्या भूल रहे हो और क्या तुम नहीं भूल रहे हो, वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये पहला रिवीजन हो गया एक वीक बाद जब सब्जेक्ट कंप्लीटली खत्म हो चुका है। दूसरा, अभी जिस दिन तुमने रिवाइज किया वन वीक के बाद, टारगेट दो और अपने कैलेंडर पे उसी दिन मार्क करो कि एग्जैक्टली 30 डेज के बाद मुझे फिर से ये पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना। अगर तुम मार्क नहीं करोगे और डेली बेसिस पे प्लानिंग से नहीं चलोगे तो तुम गारंटीड भूल जाओगे, और वो तुम दो महीना के बाद रिवाइज करोगे तो पता चलेगा सभी कुछ भूल गए, वो तुम्हारा ही लॉस है, क्योंकि अब तुम जब रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम तुम दोगे तो तुम्हारा लॉस है, क्योंकि तुम उसे कम टाइम पे भी कर सकते थे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता, क्योंकि दो महीना बाद करोगे तो लगे ऑलमोस्ट भूल गए। ऐसा गलती बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं, हर साल करते हैं, मैं देख रहा हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, और मैक्सिमम लोग जिनका रैंक खराब आता है उसका मेन रीज़न यही है कि ढंग से रिवीजन नहीं किया। ठीक, तो अपने आप को टारगेट दो कि एग्जैक्टली इस डेट को मेरे को रिवाइज करना है, ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है तो दो दिन लगेगा मुझे, रिवाइज कर लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर वो छूट गया तो अपना मार्क्स मैं खुद गंवा रहा हूँ। तो इस तरह से तुमने एक मंथ बाद रिवीजन किया, ये तुम्हारा दूसरा रिवीजन था। अब जो तुम्हारा तीसरा रिवीजन होगा ना वो साइक्लिक रिवीजन में आ जाएगा, यानी कि रिवाइज करना है, टेस्ट सीरीज देना, उसके लिए मैं वीडियो जब टाइम आएगा तो बना दूंगा, लेकिन अभी क्या करना है वो तुम्हें समझ में आ गया। तो इस तरह से रिवीजन साइड बाय साइड चलते रहेगा ना, तो तुम सब्जेक्ट को टच में रहोगे, क्योंकि यहाँ सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। ये पहला चीज़ आया। अब तुम एक महीना बाद जो रिवाइज करोगे क्या करोगे, क्लास नोट्स, उसके अंडरलाइन पोर्शंस को देखोगे, उसको पूरा गो थ्रू करो उसको, और जो भी स्टार मार्क क्वेश्चन था गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या ईएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसे फिर से सॉल्व करो, एज अ फ्रेश क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो स्टार मार्क काटो, नहीं होता है तो एक और स्टार मार्क दो। समझ में आ गया, मेथड क्लियर है? तो ये तुम्हारा एक महीना बाद हो गया, अच्छा से तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हुए जा रहा है, मान लो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो वो तुम्हारे दिमाग में है रिटेन, कि वो चला नहीं गया कहीं।
अब ये एक मेथड होता है कि एक प्रॉपर तुम्हारा वीकली मंथली रिवीजन चल रहा है, दूसरा डेली रिवीजन। ये पैरेलल रिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली क्या शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स जो मैंने बनाने बोला था तुम्हें, वो किसी रीज़न के लिए बोला था, उसे डेली देखना है क्योंकि इन्हें देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैंने बोला कि बस फॉर्मूलाज लिखो, और इसलिए अगर छोटा रहेगा तो आधे आधे घंटे में तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ऐसे सुबह उठे आधे घंटे में माइक्रो नोट्स रिवाइज किया, शाम को आधे घंटे तुमने गेट फोकस नोट्स रिवाइज कर लिया, दूसरे दिन सुबह उठ के आधा घंटा तुमने ES फोकस नोट्स रिवाइज कर लिया। इस तरह से वो चलते ही जाता है, समझ में आया? तो एक वीक में 2 से 3 बार अगर तुमने सारे नोट्स शॉर्ट नोट्स अपने रिवाइज कर लिए तो इससे क्या हो रहा है ये अच्छा से समझो। तुमने एक फार्मूला देखा ना तो मत सोचो तुमने बस एक फार्मूला रिवाइज किया, उस फार्मूला से कनेक्टेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी तुम्हारे दिमाग में घूमता है। अगर तुमने वो फार्मूला देखा तो वो भी रिवाइज हो गया एक पर्टिकुलर सबकॉन्शियस में, लेकिन अगर तुमने कुछ देखा ही नहीं, छोड़ ही दिया, तो सब कुछ सफाचट हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, किसी ने कमेंट ही किया था, आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है, वो इसीलिए होता है। सही ढंग से पढ़ोगे तो ऐसा नहीं होगा सारे सब्जेक्ट। तो मैंने वो बोला जो एक महीना का टाइम है ना, जो मैंने बोला कि एक महीना के बाद रिवाइज करना अपना सेकंड रिवीजन, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक महीना में भूल ही गए सब्जेक्ट को कि वो क्या था। उसका शॉर्ट नोट्स माइक्रो नोट्स तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारे दिमाग में रह रहा है, समझ में आया? इस तरह से तुम अगर एकदम स्ट्रेटेजिकली लेकर चलोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट तुम्हारे कितने स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अब समझो एक और चीज कि जो तुमने सबसे पहले रिवाइज किया ना, उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन होंगे। इसीलिए मैंने बोला था हमेशा सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट से स्टार्ट किया करो। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही करते हैं, स्ट्रांग सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, तो उसका ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन हो रहा है। जो बाद में आया, जैसे नवंबर या अक्टूबर में कोई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, तो क्या हो रहा है उसका 1 या 2 रिवीजन ही हो पाए। लेकिन एक और बात अच्छा है ना, क्योंकि वो तो एग्ज़ाम के क्लोज है ना, तो उसको उतना ज़्यादा बार रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो पढ़ा है तुमने, समझ में आया? तो इस तरह से तुम्हारा पैरेलली सारा रिवीजन चलते जा रहा है, सारा सब्जेक्ट स्ट्रांग है तुम्हारा। अगर तुम में वो कंसिस्टेंसी है कि हाँ इतना करना है तो करना है, और ज़्यादा करने को नहीं बोला मैंने, ज़्यादा घंटा पढ़ने को भी नहीं बोला मैंने, बस एक रूटीन मैनर से इसे करते जाओ, और इसी तरह से कॉम्पिटिशन निकलता है। नहीं तो बहुत बार देखा होगा तुमने, बहुत पढ़ रहे हैं, नंबर आए 50 नंबर गेट में, तो वैसे नहीं होता, क्योंकि पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा? ये कोई थोड़ी आके तुम्हें देखेगा कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, कितने घंटे तुम कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, कोई नहीं देखने वाला। एंड रिजल्ट मैटर करता है, और वो इस तरह से आता है, समझ में आया? तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। पिछले बार मैंने बोला था 200 लाइक आएंगे तो नेक्स्ट लेसी आएगा, 200 लाइक 2 घंटे में आ गए, अब मैं इतना जल्दी कैसे बनाऊँ? तो इस बार 500 लाइक आएगा तो गारंटी नेक्स्ट लेसी आ जाएगा 6th। उसमें जो टॉपिक तुम बोलोगे नीचे कमेंट पे ही मैं देख रहा हूँ, जो भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आया कमेंट वाले पे, और वो टॉपिक गारंटी बन जाएगा, या फिर जो भी टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं उस पर गारंटीड अगला एपिसोड आ जाएगा। और तुम्हारा बहुत ही यूनानिमस रहता है, तुम लोग जो बोलते हो मैक्सिमम लोग वही बोलते रहते हैं, तो मैं उस पर बना देता हूँ तुरंत वीडियो, ठीक? तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में या फिर नेक्स्ट वीडियो टॉप 47 12 में। बाय।